हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर नीना परिहार। आज मैं आपको लेके आई हूँ जम्मू के एक सबसे सुंदर बगीचे में, पार्क में, जहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल यू नो पार्क बनी हुई है और फाउंटेन्स भी हैं। अभी इतना ज़्यादा अभी नहीं होगा, फाउंटेन्स का मैं शो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि रात को क्या होता है कि यहाँ पे लाइट्स, फाउंटेन में लाइट्स होती है और वो बहुत अच्छा व्यू होता है, साथ साथ में म्यूज़िक भी लगा होता है। तो मैं आपको लेके चलती हूँ बागे बहू के पार्क के अंदर। ये देखो बागे बहू, और यहाँ पे टिकट काउंटर है, यहाँ से पहले टिकट लेंगे फिर उसके बाद अंदर चलेंगे। हमने ऑलरेडी टिकट्स ले लिए हैं और हमने खाने के लिए भी सामान ले लिया है क्योंकि अंदर कुछ नहीं मिलता है। प्लस हम लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ पे बहुत सारे मंकीज़ हैं, तो उनसे बचाने के लिए वी हैव टू कीप इट इनसाइड अवर बैग। चलो आपको दिखाते हैं बागे बहू, जो कि हम लोग बचपन से, जब हम जम्मू आते थे घूमने के लिए, क्योंकि पहले मैं कटरा रहती थी, तो जब हम जम्मू आते थे घूमने तो बागे बहू के पार्क में तो ज़रूर आते थे क्योंकि हम लोगों को बचपन में ऐसे पार्क्स बहुत अच्छे लगते हैं। अभी भी अच्छे लगते हैं, बट अभी ओ माय गॉड इतनी ज़्यादा धूप है, देख रही हो मेरे फेस पे इतना ज़्यादा पसीना पड़ रहा है और चुभने वाली धूप है। तो यहाँ से जल्दी जल्दी निकलते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं। राधिका जा रही वैसे आपने मेरी टी शर्ट देख ली होगी और आप सोच रहे होंगे ये टी शर्ट के ऊपर क्या लिखा हुआ है और क्या है। ये है इंटरनेशनल भद्रवाही सोसाइटी। ये जो है फेसबुक पेज है मेरे कज़न का और वो उसको हैंडल करते हैं। हिज ऑल फैमिली मेम्बर्स आर लाइक ब्लॉगर्स ओनली, क्योंकि वो जब भी कहीं पे जाते हैं सब इकट्ठे होके जाते हैं और यही टी शर्ट पहन के जाते हैं। उन्होंने मेरे लिए और बीना के लिए भी ये टी शर्ट भेजी थी, मुझे लगा कि क्यों ना इसका एक यूज़ किया जाए अच्छे से। और ये देखो, ये है कोट, एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड। तो आप जाके फेसबुक पे ये पेज लाइक कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे यू नो लैंडस्केप्स देखने को मिलेंगे, हमारा कल्चर देखने को मिलेगा, भद्रवाही कल्चर देखने को मिलेगा। तो आप उसको भी लाइक कर सकते हो और उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो अब हम लोग अभी थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे, एंजॉय करेंगे, उसके बाद आगे का दिखाएंगे आपको। ओके, बहुत गर्मी है यार, इन प्लांट्स के बीच में बैठना बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे धूप नहीं आ रही है। और आप देखो यार, आप लोगों के लिए मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, तो आप भी प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ठीक है, और बेल आइकन ज़रूर हिट करना ताकि कोई भी न्यू व्लॉग आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो अभी मैं आपको ट्रैक्स दिखाती हूँ यहाँ से। बहुत अच्छा है यहाँ पे, बहुत अच्छा है यार, सीरियसली रिलैक्स हो जाता है बंदा। जिसको थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा हो ना, वो यहाँ पे आओ और मज़े से चिल करो यहाँ पे आके। और अब मैं धूप में जाती हूँ, है ना। यहाँ से साइड साइड से फ्लावर्स लगे हुए हैं, देखो कितने सुंदर है, है ना। ये ट्रैक बना हुआ है बीच में, आपको मैं आगे दिखाती हूँ। तभी का व्यू आगे से भी बहुत अच्छा है, बट यहाँ से भी तभी दिखेगी। एंड लेट मी शो यू द व्यू ऑफ तवी रिवर। ये देखो कितना बड़ा अर्थ वॉर्म है। पहले हमें लगा ये स्नेक है, फिर जब इसे ध्यान से देखा ना तो ये है, ये निकला अर्थ वॉर्म। मस्त होके घूम रहा है यहाँ पे।
स्नैक्स के बाद हम लोग काफ़ी बैठे, काफ़ी रिलैक्सिंग था। और मैं आपको बता दूं, जब भी आप माता वैष्णो आते हो ना, तो माता वैष्णो आने के बाद आप यहाँ पे आ सकते हो। एक टेंपल है यहाँ पे बहुत फेमस, बाहू फोर्ट, ये फोर्ट है यहाँ पे बागे बहू के ऊपर। वहाँ पे माता का, काली माता का मंदिर है, बहुत फेमस है। आप वहाँ पे आ सकते हो। वहाँ पे दर्शन करने के बाद जब आप आओ, उसके बाद यहाँ पे पार्क में आप आ सकते हो रिलैक्स करने के लिए, बैठने के लिए। यहाँ का अलग ही मज़ा है, जो व्यू है ना इसके अराउंड तवी का, और जब ऊपर जाते हैं वहाँ पे एक्वेरियम है, बाहू फोर्ट है, एक्वेरियम भी काफ़ी अच्छा है, आप वहाँ पे भी जा सकते हो। हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास कम टाइम है। मेरी गिम्बल की बैटरी हो गई लो, और अब मैं ऐसे शूट कर रही हूँ। और अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ऊपर फाउंटेन भी है, बट अभी आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे उन्होंने ऑन किया होगा उसको, क्योंकि अभी पानी जो नीचे वाले फाउंटेन्स थे वहाँ का पानी तो सूख गया है, आई मीन उन्होंने बंद कर दिया, अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है। तो ऊपर देखते हैं अभी जाके, है तो बहुत सुंदर है बट धूप है ना काफ़ी, तो इतना यू नो जितना शाम को मज़ा आता है उतना अभी इतना ज़्यादा अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाते धूप में। ये है छोटा सा रॉक गार्डन बागे बहू पार्क का, और ये यहाँ से हम जाएंगे ऊपर की तरफ। थोड़ी सी हवा आ रही है और थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ये यहाँ पे बाहू फोर्ट, यहाँ पे एक्वेरियम, और यहाँ पे सामने है पॉन्ड जो कि सूख गया है, स्वेट से बुरी हालत हो गई है। और अभी हम ढूंढ ही रहे हैं कहाँ से जाना, यहाँ से आई डोंट नो रास्ता है या नहीं है, नो आइडिया, बट मुझे नहीं लग रहा है। तो है वैसे रास्ता, यहाँ से भी है, लेट्स सी, जाके पता चलेगा। जय हो माता रानी, अपना आशीर्वाद हमेशा संसिम पर लिखित। आज का ये जो व्लॉग था, मुझे बताना कैसा लगा आपको ये बागे बहू पार्क, आप सबको कैसा लगा, और वर्चुअल ट्रिप कैसा लगा, तभी क्या व्यू कैसा लगा, कमेंट्स करके बताना ना भूलें। और काफ़ी मेहनत की है मैंने इस व्लॉग बनाने को, क्योंकि इतनी धूप में सीरियसली मैं कभी नहीं निकलूं बाहर। तो आज के व्लॉग का एंड करने का टाइम आ गया है, और मुझे बताना ये आपको कैसा लगा कमेंट्स करके, कमेंट सेक्शन में। और अब मैं लेती हूँ आपसे अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए बाय, चाचा, टेक केयर। भैया कब से यहाँ पे हो? कब से हो यहाँ पे? हाँ, हो गया तो 20 साल। 20 साल से कचालू बनाते हो? हाँ जी मैम। सही है, यहीं पे? ओके, मेरे तो फेवरेट है कचालू। हाय डार्लिंग, यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी। शक हो रहा है क्या? चलो 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 वॉक। ओ भाई उधर।